बहुत बहुत स्वागत है आपका तरबगंज में। तरबगंज है ना भैया ये? पकड़ी है, पकड़ी है। तरबगंज कहाँ? पकड़ी गोंडा जिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका पकड़ी गोंडा जिले में। इस समय हम लोग पकड़ी बाजार पे हैं, जहाँ पे पता नहीं लाइट आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक लाइट तो है। लोग बढ़िया चाय की दुकान पे इकट्ठा है, हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही है। ये कौन सी सब्जी है? गंजी सकट वाला होगा। ये बढ़िया चाय की दुकान पे लोग इकट्ठा हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा बताइए, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग यही है कि अलग है कोई? है तो हमको कोई ऐसा आदमी बताइए जिसको पूरा कंप्लीट पता हो 84 परिक्रमा मार्ग वाला, कोई है? कौन? कितने मतलब कितने दिन में पूरा करते हैं लोग? लगभग सर 15 दिन या महीना कैसे कुछ है करना। यहाँ हमको, यहाँ पे हमको लोग बताए कि यहाँ कोई वो शिव जी का वो है, वहाँ पे रुकते भी हैं। है उन्हीं के गांव के, उन्हीं के है। तो इस लाइट में आओ थोड़ा भैया, इन्हीं के साथ खड़े हो जाओ। आप ये हमारे साथ कुछ लोग इकट्ठा हैं, क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला। तेज बोली, संतोष शुक्ला। आपका? अच्छा, तो आप लोग 84 परिक्रमा मार्ग के बारे में बताइए, मतलब लगभग कितने साधु लोग करते होंगे परिक्रमा? बहुत रहा। कितने? लगभग 500? हजार? हजार, मतलब सात दो शिफ्ट में चलते हैं। एक भी सिंधु परिषद वाले, दूसरे ये। अच्छा तो ये मतलब कब होते, मतलब साल में? हमने सुना है एक ही बार ये आते हैं, अप्रैल में, चैत में। चैत में आते हैं। तो और ये दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं? रात में भी चलते हैं। हमें तो अभी लोगों ने बताया कि नहीं दिन में चलते हैं, रात में रुकते हैं। नहीं तो कहाँ कहाँ पड़ाव है ये कैसे पता चलेगा? हम लोग तो अभी घूम के आए, हम लोग कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। पड़ाव तो बहुत है। तो पूरा कहीं जानकारी है इसकी? अब साहब वो तो बहुत लंबा क्षेत्र है। अभी उत्तरी भवानी होते हुए साहब शुरुआत कहाँ से? मखौड़ा से होती है। मखौड़ा से होती है, फिर फैजाबाद, फिर जम्मू घाट। जम्मू घाट नहीं तो, यानी हर जगह वो लोग रुकते भी होंगे किसी जगह पे। पड़ाव रात रुके, वहाँ रात रुके, वहीं खाए बनाए, फिर चल। तो कहाँ कहाँ पड़ाव है इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी सर प्रधान के पास जाओ, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। अच्छा, प्रधान तो दर्जनों प्रधानों के गांव से निकलता होगा। अच्छा लिस्ट है किसकी? अपने गाँव का लिस्ट होगा ना कि हर गाँव का लिस्ट? जहाँ जहाँ उनका प्रभाव पड़ता है। अच्छा तो प्रधान का नंबर बताओ। पंचा।